हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज निकले हैं हम गर्तांगली कवर करने। तो ये एक्चुअली एक ब्रिज है जो यूज़ होता था इंडो तिब्बतन ट्रेड के टाइम पे। तो उस टाइम पे तो, क्योंकि बहुत पुरानी टाइम की बात है, शायद 200-300 साल पुरानी बात है, तो उस टाइम पे तो करेंसी यूज़ होती नहीं थी, तो बाटर सिस्टम चलता था। तो उस टाइम का ब्रिज है ये। तो अभी इसको रेनोवेट कर दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 साल ही हुए हैं रेनोवेट करे हुए। पीछे का व्यू देखो आप, ये कुछ व्यू है यहाँ का। चलिए आपको दिखाते हैं ब्रिज। ये महेंद्र जी हमारे, महेंद्र जी ठीक है। बारिश का थोड़ा सीन हो गया, बारिश का थोड़ा सीन हो गया, अदरवाइज तो अच्छा है। यहाँ पे क्राउड क्राउड तो कुछ मिलेगा नहीं। क्या बोल रहे हो? मोस्ट इंस्टाग्रामेबल जगह है। अच्छा, हाँ इतना हाइप कर दिया है ना ब्लॉगर्स ने। ऐसा कुछ रास्ता है, मुझे लग रहा है लास्ट में जाके ब्रिज ही होगा, और क्या ही होगा। वहाँ तक जाने के लिए चलना पड़ेगा, ये नहीं पता था। देखो चढ़ाई है। अरे बढ़िया। तो देखो ये भैया लोग कलेक्ट कर रहे हैं पूरे जो रैपर्स हम इधर उधर फेंकते हैं प्लास्टिक के, तो बेटर है कि ना छोड़ा करो इधर उधर, क्योंकि वैसे तो ये बहुत कौन सा है, ये गंगोत्री शायद कोई नेशनल पार्क है, शायद उसका पार्ट है। तो सीन क्या है कि इधर उधर छोड़ोगे तो एट द एंड हम एनवायरनमेंट को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अभी हम काफ़ी क्लोज आ गए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर निकल गए हम पीछे से ट्रैक करते हुए। वो देखो सामने क्या व्यू है, भरल कॉरिडोर। भरल मतलब ब्लू शीप, उसको पहला अधिकार है इधर से, और एक भरल हमको पीछे दिख रही है, तो पहला अधिकार इनका है। ऑलमोस्ट पहुंच गए हम, तो आई थिंक 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है भाई ये, ठीक है। इसके बारे में हमें नहीं पता था, तो क्योंकि हम थोड़ा टाइम से निकले थे तो ये भी कवर कर लिया। लीजिए फाइनली गर्तांगली आ चुके हम। यहाँ से सीन क्या है, यहाँ तक आई थिंक 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक रहा होगा। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। अभी हल्का सा गीला हो रखा है बारिश की वजह से, थोड़ा देख के चलेंगे हम इस पर। ये आ गया एंड। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था 136 मीटर्स के अराउंड है इसकी, मतलब कि जो लेंथ है, और पूरा वुडन है। मेरे को समझ में नहीं आया लॉजिक क्या है वुडन बनाने का इस टाइम पे। अगर टूरिस्ट पर्पज से है तो फिर तो ठीक है भैया। और मनिंदर जी कुछ देना चाहेंगे रिव्यू आप इस ब्रिज के बारे में? काफ़ी अच्छा सॉलिड, रिवर के बैंक पर बना है, इतना अच्छा व्यू मिलता है, और काफ़ी सॉलिड लकड़ी से बना हुआ है, अच्छा काम किया हुआ है। बट बेस्ट पार्ट बीच में फॉरेस्ट, आई थिंक फॉर रिजर्व वाले थे जो कुछ लोगों ने, जो टूरिस्ट हैं, कूड़ा कचरा फेंक रखा है, उसको वो हैंड पिक कर रहे थे कहीं। मैंने देखा एक तो काफ़ी नीचे था, एक सिर्फ एक पेपर का कप नेस्ले का, उसको उठाने के लिए एक स्पेशली गया। बता रहे थे कि हम क्लीनलीनेस और सब करते हैं यार, वो बात तो है, ये अभी अनटच्ड है। हम आई थिंक रिलेटिवली कुछ गिनती के लोगों में होंगे जो अब तक आए होंगे। चलिए यहाँ से निकलते हैं, हल्के से व्यूज़ लेके यहाँ से चलते हैं आगे। चलिए जी, ये था गर्तांग गली। तो यहाँ का लैंडमार्क है ये ब्रिज, ब्रिज देख रहे होंगे आप। और एंट्री चार्जेस हैं 150 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे। अच्छा था, 2 किलोमीटर मान के चलो, 2 किलोमीटर यहाँ से है जब वो फुल क्या है लकड़ी का ब्रिज स्टार्ट होता है। चलो महेंद्र बाय बाय बोलो। चलिए बाय, ठीक है। हम यहाँ से निकलेंगे अब केदारनाथ के लिए, तो अभी तो बारिश हो रही है, यहाँ से पहले रूम पर निकलते हैं। इस ब्लॉग लेते नहीं, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। इंडिया ब्रिज तिब्बत के बीच में क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए।
वाटर सिस्टम जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो जो मेरा है वो तो मेरा है। व्यू देखो यार, अरे इतना प्यारा कलर दिख रहा है ना नदी का। रुको जरा फोटो खींचता हूँ।